amazing, a beautiful journey. You know, all the people that I worked with in the show, the rest of the contestants, Rohit sir, the stunts that I've done. What a journey. I have surprised myself in the show, and it's gonna be an experience that I'm never going to forget. Okay, so apart from that, you were the youngest contestant of the season. Right. So uska kitna fayda mila ya phir kitna pyar mila? बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं सेट पे, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस सीजन में, बट आई वॉज द यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी. सो इट वॉज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब ये शो मैंने फॉलो किया है हमेशा से, एंड आई हैव प्रोजेक्टेड माई सेल्फ और इमेजिन माई सेल्फ कि एक दिन यू नो आई एम गोइंग टू बी देयर रोहित सर के पास, स्टंट करूँगी. बट कभी नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाऊँगी, एंड आई वेंट देयर एंड इतना प्यार मिला, इतना पैम्पर्ड थी मैं सेट पर. आप देखोगे मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है. मैंने ऐसे स्टंट्स भी किए हैं, ऐसे चीज़ें की हैं लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी. वही आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना, कि देखने में यू नो मुझे ऐसा लगता था कि होगा इजी है, वहाँ तो हम एक्टर्स हैं, आई मीन यू नो या तो वो एनिमल्स को सेडेट कर देते होंगे या तो कुछ ऐसा करते होंगे जिससे मतलब वो दिखने में डिफ़िकल्ट लगे एंड यू नो हो वो इजी. बट एक्चुअली वैसा नहीं था. जितने भी एनिमल्स थे हमारे सेट पे, जितने भी इंसेक्ट्स थे या जो भी हाइट वाटर जो भी था, वो सब रियल था. इसलिए जो भी एक्सप्रेशन हैं, आप पहली बार अनुष्का को आप रियल देखोगे, यू नो वट एवर आई वॉज फीलिंग आप सब वही देख पाओगे. सो इसलिए ये शो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे शो के यू नो ज़रिए. सो ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस थी, बट इस शो में बहुत कुछ हुआ. इंजरीज ब्रूजेस तो होते रहते हैं, बट आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या यू नो हुआ है शो पे, एंड बहुत मज़े किए हमने. सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी तो सबको अच्छा लगेगा. हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू ज़्यादा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पसंद है, क्योंकि सब मीडिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं. एक ऐसा होता है जहाँ हम सब वापस मिलते हैं, हम बातें करते हैं जर्नी के बारे में. बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करने में. एंड खतरों एक ऐसा शो है जो मतलब अभी तक जितना मैंने काम किया उससे बहुत डिफरेंट है, एंड बहुत मज़ा आया करने में. मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से कम्पीट करने ही नहीं गई थी, मैं खुद से कम्पीट करने गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक कभी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तब से मैं एक्टर हूँ. एंड इंजरीज आप नहीं कर सकते, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समय भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए.